हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो चलो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सुजुकी मोटर की बलेनो कार को तो आप सब लोग जानते ही होगे कि आज हमारे बाजार में हर जगह पे हम बलेनो गाड़ी देखते हैं, और हमारे आसपास हमारे अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे लोगों के पास बलेनो गाड़ी है। अब आपको इस बात को सुनकर थोड़ा झटका लगेगा कि बलेनो को सेफ्टी के अंदर 0 स्टार मिले हैं। तो चलो थोड़ा बहुत हम बलेनो के बारे में थोड़ा जानते हैं। बलेनो प्रीमियम हैचबैक कार जो सुजुकी मोटर द्वारा गुजरात में स्थित प्लांट में बनाया जाता है। अभी हाल ही में व्हीकल सेफ्टी ग्रुप लेटिन NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट में 0 स्टार मिले हैं। इसमें से 5 स्टार हाईएस्ट स्कोर को दर्शाता है, उसमें से 0 स्टार बलेनो को मिले हैं। लेटिन NCAP ने अपने अलग अलग किए गए टेस्ट के द्वारा एक बयान में कहा कि पॉपुलर कॉम्पैक्ट कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट बॉक्स में 20.3%, चाइल्ड ऑक्यूपेंट बॉक्स में 17.6%, रोड पर चलने वाले यात्रियों के लिए 64.6% और सेफ्टी एसिस बॉक्स में 6.98% हासिल किया। अब हम 0 स्टार रिजल्ट से उसकी खराब साइट के फैक्ट्स देखते हैं और उसके अंदर कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी है उस बारे में भी हम जानते हैं। साइड हेड एयरबैग की कमी और लेक स्टैंडर्ड ESC यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल स्पीड और सुजुकी मोटर्स के निर्णय द्वारा CRS की सिफारिश नहीं करने के लिए और उन सबको समझाया गया है, और दूसरे कौन कौन से टेस्ट किए गए हम वो भी जानते हैं। तो हमारे वीडियो पर बने रहे। बलेनो का फ्रंट इम्पैक्ट और साइड इम्पैक्ट, व्हीप्लेस और पैदल यात्री सुरक्षा का टेस्ट किया गया। इसके अंदर फ्रंटल इम्पैक्ट में मॉडल ने स्थिर परफॉर्मेंस दिखाया, जबकि साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग के दौरान मॉडल की छाती को खराब सुरक्षा के साथ उसके दरवाजे पर भी खराब असर दिखाया। सुजुकी मोटर की बलेनो के टेस्टिंग से पहले उन लोगों ने स्विफ्ट का भी टेस्टिंग करवाया था। कुछ समय पहले स्विफ्ट की 0 स्टार रेटिंग के बाद से बलेनो के 0 स्टार के बाद निराशा का विषय है। लेटिन अमेरिकन उपभोक्ताओं के लिए सुजुकी स्टैंडर्ड की पेशकश से एडल्ट और चिल्ड्रन की खराब सेफ्टी परफॉर्मेंस से लेटिन NCAP जनरल सेक्रेटरी एलेजांड्रो फूरस ने कहा कि लेटिन NCAP सुजुकी के मॉडल पर स्टैंडर्ड सेफ्टी उपकरण में जल्द से जल्द सुधार करने की सलाह दी है, ताकि सुधार करने के बाद फिर उसका टेस्ट किया जाए। सुजुकी मोटर की बलेनो कार को तो आज हमारी सोसाइटी में और हम जिधर भी देखो वहाँ पर पड़ोस में और हमारे शहरों में हर जगह पे आज बलेनो गाड़ी हर जगह पे देखने को मिलती है। क्या आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना था? अगर आपके पास अब बलेनो कार है तो आप इसका क्या करेंगे? इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के नियम के हिसाब से हमें गाड़ी चलानी चाहिए, और अब कंपनी इसके ऊपर काम भी कर रही है, और आने वाले समय में ये इससे भी अच्छा मॉडल और बेहतर तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि वो इस बार सेफ्टी के अंदर 5 में से 4 स्टार तो लेकर ही आएगी। आपको क्या लगता है कि बलेनो कार कामयाब होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी बलेनो कार है फिर भी आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूले, और साथ में सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा नया वीडियो अब यूट्यूब पर आ गया है, तो आप जल्द से जल्द वो वीडियो देख सकते हैं और अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।